सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर हमारे पास कितने आते हैं बच्चों, ये 3 आते थे सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर। पहले अपन डिस्कस की थी, मैंने बताया था आपको प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, ये तीन जो होते हैं वो आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, उनके तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है प्लास्टिक। तो हम प्लास्टिक में अगर देखते हैं, देखो आपके पास इतना है पॉलीथीन, पॉलीथीन पीवीसी और पॉलीस्टाइरीन और एक्रिलोन नाइट्राइन या ओरलॉन। इस प्लास्टिक को भी हम आगे जाके चार भागों में बांटते हैं। अच्छा, बहुत सारे भाग हैं, लेकिन आपके सिलेबस की अगर बात करें तो केवल जिन चार भागों की डिस्कस की गई है अभी हम इनको जो है रिएक्शन से बात करेंगे, केमिकल इक्वेशन भी लिखी गई थी। फिर आता है आर्टिफिशियल फाइबर्स। फाइबर्स में आपके सिलेबस से दो देखा है, नाइलॉन 66 एक है टेलिलिन, और टेलिलिन को हम बोलते हैं टेक्नोन। टेलिलिन कपड़े वगैरह बनते हैं और नाइलॉन 66 की रस्सियाँ बनती है, लॉक्स लॉक्स बनती है। तो आप देखना इसको। फिर देखिए सिंथेटिक फ्लवर, सिंथेटिक फ्लवर में बिना एस और बिना एन दो होते हैं, इसको बोलते हैं स्टाइरीन और इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइन से बनता है, 1,3-butyl-1,3-diene से बनता है। और यहाँ पर भी ये दोनों प्रक्रियाएं होती है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस पर देखिए आप, अगर हमें पॉलीथीन की बात करें, अब यहाँ से आप देखिएगा, सबसे पहले पॉलीथीन की बात करें अपन, फर्स्ट की पॉलीथीन, पॉलीथीन तो देखो बच्चे इसमें होता क्या है, पॉलीथीन का जानती हूँ प्लास्टिक का ही पार्ट होता है और ये एलडीपी में आता है, लोवेस्ट डेंसिटी होती है इसकी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पॉलीथीन की हम जब पॉलीथीन का यूनिट क्या है, एथीन होती है, क्या होती है एथीन। तो ये देखिए एथीन, ओके एथीन, और एथीन को हम कैसे लिखते हैं, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, ये एथीन होती है। अगर एथीन का हम पॉलीमराइजेशन कराए, क्या कराए बच्चों, पॉलीमराइजेशन कराए, तो देखो क्या बनता है, पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तब इस ये यूनिट जो है एन मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और यहाँ पर ये आगे चला जाएगा, तो इसके आगे इसका और मॉलिक्यूल को इसके आगे आएगा, इस तरह से बन जाएगा सी एच टू सी एच, ओके। और यहाँ कितने मॉलिक्यूल है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीथीन। ऐसा कहें बच्चों पॉलीथीन, पॉलीथीन की जो थैलियां बनती है वो वाली पॉलीथीन, ओके। नेक्स्ट हम दूसरा जो पॉइंट लेंगे वो हमारा है पीवीसी। पीवीसी जो होता है वाइनिल क्लोराइड होता है, क्या होता है इसका एक इकाई, पीवीसी को हम बोलते हैं पॉली वाइनिल क्लोराइड। याद रखना बच्चों इसका पूरा नाम क्या है, पॉली वाइनिल क्लोराइड। इसके अंदर जो एक इकाई होती है वो होती है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, और इधर आपको लगाना है सी एल, ये है आपका वाइनिल, ये आपका पार्ट कौन सा है, वाइनिल वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। ये पार्टीशन यहाँ जाएगा, एन मॉलिक्यूल डेट में पार्टीशन करेंगे, पॉलीमराइजेशन होगा इसका, पॉलीमराइजेशन, ओके। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सी एच टू, ओके, यहाँ पे हो जाएगा सी एच और ये इस तरह से सी एल, तो इस तरह से आपके एन मॉलिक्यूल बन जाएगा, ओके बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा पॉलीस्टाइरीन, क्या है आपको यहाँ पे पॉलीस्टाइरीन। अब पॉलीस्टाइरीन का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पे समझना होगा, पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, देखो बच्चों स्टाइरीन का एक फॉर्मूला होता है वो है बच्चों सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और यहाँ पे सी सिक्स एच फाइव होता है। अब इसका जो है पॉलीस्टाइरीन होगा एन मॉलिक्यूल के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आपके शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो इस तरह से बन जाएगा सी एच टू सी एच सी सिक्स एच फाइव और इस तरह से ये हो जाएगा एन मॉलिक्यूल, इसको हम बोलेंगे पॉलीस्टाइरीन। और ये कौन सी है यहाँ पे यूनिट, स्टाइरीन, ओके। नेक्स्ट है ओरलॉन, ओरलॉन। अब ओरलॉन में देखिए बच्चों, ओरलॉन में क्या होगा, यहाँ पे होगी एक्रिलोनाइट्राइन, तो नाइट्रोनाइट्राइन में होता है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और सी एन, यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ प्रोसेस होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है, पॉलीमराइजेशन से रिएक्शन बनेगी और यहाँ पे सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच और ये आपके हो जाएगा सी एन, इस तरह से यहाँ पे एम मॉलिक्यूल लग जाएगा, ओके बच्चों। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पर आपने जो प्लास्टिक के अंदर जो डिस्कस की है उसको हमने देखा था पॉलीथीन,
पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन एंड एक्रिलोनाइट्राइड और लॉन, इन चारों की जो केमिकल रिएक्शन थी वो मैंने शो कर दी है। अब आगे चलते हैं हम नायलॉन पर। देखिए बच्चों, नायलॉन का केस में देखिए, आप नायलॉन में सबसे पहले मैं लेता हूं नायलॉन, ये फाइबर होता है, क्या होता है बच्चों, फाइबर। और याद रखिएगा इन सब में जो मोनोमर था वो एक सिंगल था, क्या था, सिंगल सिंगल मोनोमर था। लेकिन इस केस में क्या होता है, टू मोनोमर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए मैं बता देता हूं आपको। एक तो होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ओके। और एक आपके होता है हेक्सा मैथी मिथाइल मैथिलीन डाइएमीन, ओके। अब इसका फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा करना है, इधर COOH लगाना है। ये आपको याद रखना है कि एडिपिक एसिड का फॉर्मूला ऐसा होता है, ओके। कितने हो गए बच्चों एडिपिक एसिड, देखो CH2, ये आपका यहाँ पे, यहाँ पे नीचे 4 लगाया है, ये जो है लगातार चार बार चलेंगे CH2 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 CH2, अपन एक साथ लिखना है एडिपिक एसिड, तो ब्रैकेट लगा देते नीचे चार लगा देते, इसका मतलब ये कंटिन्यू चार बार चलेगा, ओके। इधर COH, इधर भी COH, ये रिएक्शन करेगा आपके हेक्सामेथिल डाइएमीन से। अब देखो ये क्या होता है, हेक्सामेथिल डाइएमीन का मतलब क्या होता है, इधर एक COH होगा हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन का मतलब है कि यहाँ पे 6 हो गए, कितने मेथिलीन होंगे, इसको मेथिलीन ग्रुप बोलते हैं, 6 हो गए NH2, एक एमीन ये वाला, एक वाला ये, कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 2 हो गए। अब देखो क्या होता है, अगर मैं इसको चाहो तो ऐसे भी शो कर सकता हूँ, ओके, ताकि आपके समझ में ठीक रहेगा। बात तो वही है, गोवा में कैसे आपको समझ में आ रहा है, दो थे मैंने इस तरह से शो कर दिया। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर हम एम मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पर भी क्या होता है एम मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर जो ये बनता है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल, क्या निकलता है बच्चों। अब जब यहाँ से एच निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो इधर से एच निकलेगा, ठीक है, इधर से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, इधर से एच निकलेगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन होगा यहाँ पे, ओके। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, अब देखो यहाँ से OH को निकाली बाहर, या तो यहाँ से OH को निकाली बाहर, देखो यहाँ पे क्या बनेगा सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे चाहो आप ऐसे तो CO, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लो ये CO, क्योंकि यहाँ से क्या निकल गया था OH निकल गया। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट CH2, और यहाँ पे आपका 4, इस तरह से CO, फिर आपका ये निकल गया, क्वेश्चन ये निकल गया, तो इससे बन गया NH, फिर आपका बन गया CH2, और फिर ये 6, और इधर से N, और ये H बच गया, और ये तो H निकल गया इसके साथ, ठीक है, और ये आपको इस तरह से लगा के यहाँ N लगा है, और साथ में क्या निकला था बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल निकला था, H2O निकला था, कितने मॉलिक्यूल निकले, N मॉलिक्यूल निकले। तो ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम नायलॉन कहते हैं, क्या बोलते हैं, नायलॉन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, नायलॉन, याद रखना है। और नायलॉन की खासियत इसके अंदर ये आता है, पेप्टाइड बॉन्ड आता है, क्या आता है, इसको एमाइड बॉन्ड बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं, जब सीओ के साथ एनएच होता है उसको बोलते हैं एमाइड, और एमाइड जो होता है वो फाइबर्स में आता है, फाइबर्स के जो भी फाइबर्स होता है उसमें एमाइड ग्रुप होता है, और जो उसका ये आप देख रहे हैं उसको नायलॉन बोलते हैं। अब आपको क्वेश्चन 66(2) का है, तो 66(2) का इसमें एक रीजन है वो देखिए, देखिए यहाँ से आप देखिए एन एन एच के इस साइड में देखिए, एन एच के इस साइड में कितने कार्बन है, काउंट कीजिए 1, 2, और ये देखिए 4, तो 4 and 2, 6, तो ये 6 आ गया। अब इस एन एच के उस साइड में देखिए, उस साइड में कितने हैं 6, इस साइड में भी 6, उस साइड में 6, इसलिए इसको नाइट्रोजन 66 कहते हैं, ओके। इसका उपयोग जो है वो रस्सी बनाने में होता है, लॉस होते हैं बड़ी बड़ी के कपड़े बनाने में इसका नाइट्रोजन का उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेरिलिन, क्या है बच्चों टेरिलिन, मैं यहाँ लिखा हुआ टेरिलिन का, याद रखिएगा टेरिलिन को हम क्या बोलते हैं, डेक्रॉन भी बोलते हैं, डेक्रॉन, डेक्रॉन के कपड़े आते हैं ना मार्केट में, टेरिलिन के कपड़े आते हैं, अच्छे कपड़े आते हैं टेरिलिन टेरिलिन के, ठीक है। और अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आपको टर्नथेलिक एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, टर्नथेलिक, टर्नथेलिक एसिड, क्या होता है इसके अंदर टर्नथेलिक एसिड होता है, ओके।
टर्फेनिक एसिड होता है, और साथ साथ में क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट होता है एथिलीन ग्लाइकोल, क्या होता है एथिलीन ग्लाइकोल। इसमें भी क्या होती है टू मोनोमर होते हैं, सिंगल नहीं होता, सिंगल होता है इनमें इनमें होता है टू टू मोनोमर होते हैं। तो टर्फेनिक का सूत्र याद है, केमिस्ट्री में जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद रखने पड़ते हैं। अब टर्फेनिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, होती है उसको ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोई साइंटिस्ट कर सकता है, जो होती है वो परमानेंट है। आपको एडिपिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, तो यही आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसमें रटने जैसे रटने रटने को उसको रखना पड़ेगा भी कि आपका सी ओ एच सी एच टू कार्बन टेट्रा और फिर सी ओ एच, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसका कोई जो है लॉजिक नहीं है, आपको याद नहीं पड़ेगा, इसका फैक्ट नहीं है, फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अब टर्फेनिक का एसिड का भी क्या होता है फिक्स होता है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले बात करूँ बेंजीन वाले बेंजीन बेंजीन आता है ना, बेंजीन क्या होती है बताया उसकी और बेंजीन के इस साइड में आपको जोड़ना है सी ओ ओ एच, और जस्ट इसके सामने सामने जोड़ लो आप सी ओ ओ एच। बेंजीन के 1-4 ये फर्स्ट पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, यानी 1 और 4 पोजीशन में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं टर्फेनिक एसिड बोलते हैं, टर्फेनिक एसिड ये फॉर्मूला है। और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एथिलीन ग्लाइकोल के साथ। अब आपको उसे एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आपको क्या होता है देखिए, ये आपका OH है, ये CH2, ये CH2 और ये OH, इसको हम बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, क्या बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। देखो इसके N मॉलिक्यूल हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं, इसके भी N मॉलिक्यूल हम लेते हैं, ओके। वही सेम टू सेम यहां से क्या निकलेगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ओके, इधर से OH निकलेगा और इधर से क्या निकलेगा H निकलेगा, ठीक है। तो इनकी रिएक्शन होगी, कन्वेंशन होगा और कन्वेंशन से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो मैं यहाँ ऊपर बना देता हूँ, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो उसको ऊपर ले लो या नीचे ले लो, यहाँ पे रिएक्शन को ऊपर ले जा रहा हूँ मैं। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज बाहर निकल गई है उसको आप छोड़ दो, बाकी सब यहाँ लिख दो। देखो ये ओ एच तो बाहर निकल गया, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड, फिर ये ओ, फिर ये सी, ओके, फिर ये आपका बेंजीन, ओके, फिर आपका क्या हो गया बच्चों ये वाला पोर्शन, ये रहा सी ओ, फिर देखो बच्चों ये आपका ये ओ आ गया, ठीक है ना, ये आपका ओ आ गया, फिर आपका देखिए ये CH2, ये आपका CH2 और ये आपका O, इस तरह से आपका पूरा इसको ब्रैकेट में लीजिए, नीचे लगा दीजिए N, प्लस लगा दीजिए NH2O, ये इस तरह से इसका नाम है टेरिलीन। क्या नाम है इसका, घबराना नहीं है, वो सिंपल सा है, थोड़ा ट्रिक्स लगाना है बस। आप देखो सर इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन कैसे करेंगे, रिएक्शन कुछ नहीं है, थोड़ा याद रखना है इसको, उसमें याद रखना है इसका फॉर्मूला, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है, फिर से एसिड से OH को निकालना है, इधर से H को निकालना है, फिर इसका प्रोडक्ट बनाना है, इधर भी आपको जो है इसका फॉर्मूला याद रखना है, इसका एथिलीन ग्लाइकोल का वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, इधर से OH और इधर से H निकाल के डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। तो इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये एस्टर है, क्या है बच्चों, एस्टर, ओके। तो इसको आप समझ आगे बात, अब यहाँ पर बात करें बिना एस की और बिना एल की, तो देखो बच्चों इसमें भी 2 यूनिट होती है, और कौन सी होती है वो आप देखिए एक बार, और कर दिया सर आपने, देखिए बच्चों नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन ब्यूना एस और ब्यूना एन। देखिए सबसे पहले आप याद रखिए बच्चों, ब्यूना ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटा, देखो मैंने आपको बताया था ब्यूट 1,3-diene, एक मोनोमर तो ये होती है, और दूसरी मोनोमर कौन सी होती है साथ में, एस का मतलब स्टाइलिन, एस का मतलब क्या होता है स्टाइलिंग होती है, क्या होती है बच्चों स्टाइलिंग साथ में होती है, और साथ ही साथ अगर हम तो ये जो बनेगा इन दोनों से वो क्या बनेगा बच्चों ब्यूना एक्स बनेगा। इसी तरह से मान लीजिए दूसरा जो हमारे पास केस है, इसमें आपको ब्यूट 1,3 तो होगी सेल होगी तो, लेकिन यहाँ दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो हो जाएगा आपके एक्रिलो नाइट्राइड, एक्रिलो
नाइट्राइड। ओके, और इनसे जो बनेगा उसको हम बोलेंगे ब्यूना एन। ये दोनों रबड़ है, ये क्या क्या है बच्चों, सिंथेटिक रबड़ है, ये लैब में बनाए जाते हैं लैब। अब आपको सर मैं कोई इंजेक्शन बता दीजिए, इंजेक्शन भी देख लो बच्चों। देखिए बच्चों मैंने बनाया है ब्यूटर 1,3-diene, ब्यूटर 1,3-diene तो कलर तो जो चेक कितने ब्यूटर होते हैं, 4 कार्बन बना दिए, सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिए सबको। अब एक नंबर पे और तीन नंबर पे क्या है, दो एक नंबर ये वन नंबर है और एक तीसरे नंबर पे, उस पर लगा के डबल करो। असम आ रही है, एक नंबर पे और तीन नंबर पे क्या है, डाई के दो है, क्या है डबल बॉन्ड पे, इस पर एक इस पर। अब बाकी को सेटिस्फाई कर लो आप, कार्बन की चार एजेंसी होती है, एक दो कार्बन की चार होते ना। अब इधर देखिए 1, 2, 3 कितने हुए, कितने हुए बच्चों, तीन हुए, एक और लगा दिया एच इधर, एक दो तीन इधर भी एक और लगा दो और इधर दो लगा दो, ये आपका हो गया 1,3-diene हो गया। बात समझ आ गई बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटर 1,3-diene। ओके, अब देख लो कोई केस आपको दिक्कत आती हो तो, कार्बन की चार एजेंसी होगी, इधर भी चार होगी। ओके, एक दो तीन चार इस तरह सी एस टू। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएगी, स्टाइलिन से। अब आपको सर स्टाइलिन का क्या फॉर्मूला है, अब स्टाइलिन का फॉर्मूला देखो बच्चों, मैं आपको बताया था, बताइए इसमें से स्टाइलिन कौन सा है। स्टाइलिन का आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपका स्टाइलिन का फॉर्मूला है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे CH2CH6H5। तो बच्चों यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा, इधर ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, इसका एन मॉलिक्यूल इसके भी एन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेंट में भाग लेंगे और इस तरह से आपका उत्पाद बन जाएगा। कैसे बनेगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड का यहां पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH की जगह पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5 और इस तरह से एन मॉलिक्यूल यहां लगा दोगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला नहीं है इसलिए हमको लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो बात समझ आई बच्चों। नेक्स्ट हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो इसमें आप देखिएगा एन में एक्रिलो, अब ब्यूट में इसमें सेम रहेगा और जब यहां स्टेप लिया है यहां पे एक्रोनाइट्राइड लेंगे। एक्रोनाइट्राइड मैंने आपको बताया था अभी, एक्रोनाइट्राइड में जो है इस पर सीएल लगता है। ओके, यहां इसी में क्या लग जाएगा आपके सीएल, ये एक्रोनाइट्राइड होता है। ठीक है, इसको लेकर अपन जैसे जैसे यहां पे किया है वैसे कर लेंगे और आपका बिना एन बन जाएगा। ठीक है, तो इनके उपयोग जो है टायर बनाने में कई सारे जो है अन्य कार्यों में भी है, कर्षक के रूप में और में जो हमारे गैजेट वगैरह बनते हैं रबर के सिंथेटिक रबर के, इसके उपयोग इसका उपयोग होता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको ये होता है, नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। यस सर, क्लास 10 का अपन चैप्टर नंबर जो हमारा 8 चल रहा था कार्बन एंड इस कंपाउंड्स का लास्ट टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये इसका इस टॉपिक का लास्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो एलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन का बोलते हैं कार्बन के अपर रूप दूसरे रूप, तो इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसके जो है कई सारे डिफरेंट फॉर्म्स होती है, एलिमेंट के रूप होते हैं, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो तो सिमिलर होती है, लेकिन इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इसका जो कैरेक्टर्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसको हम बोलते हैं एलोट्रोपी। तो इन्हें यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है, आप देख सकते हैं द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच आर सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रोप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एलोट्रोपी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन की हम बात कर रहे हैं तो कार्बन यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमोर्फस। क्या होता है बच्चों, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन इसको बोलते हैं, क्रिस्टलाइन एक क्रिस्टलाइन होता है, और क्रिस्टलाइन क्या होता है, ये ट्रू होता है, ये ट्रू सॉलिड है, और आपके पास तो ट्रू की जो वास्तव में सॉलिड होना चाहिए वो सॉलिड फॉर्म है, ये ट्रू सॉलिड बोलते हैं इसको। और सॉलिड यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलाइन कार्बन को तीन आगे फर्दर में तीन फिट
काट में डिवाइड किया गया है डायमंड ग्रेफाइट और फुलरिंग। और आज हमारा टॉपिक जो है वो मैन इसी पे चलेगा, बाकी जो एमोर्फस होता है नॉन क्रिस्टलाइन वो कॉल लैम्प ब्लेंड ये वगैरह होते हैं, खूब सारे चारकोल वगैरह होते हैं, तो उनके बारे में हमें यहाँ सिलेबस में आपके नहीं दे रखा है, हम डिस्कस नहीं करेंगे उनका धारणा आपको कि एमोर्फस है नॉन क्रिस्टलाइन कॉल और लैम्प ब्लेंड होता है चारकोल होता है। लेकिन क्रिस्टलाइन के अंदर देखिए अगर क्रिस्टलाइन टू में हमें डायमंड ग्रेफाइट और फोल्डिंग मिलेगा, और फोल्डिंग इन तीनों की जो एलिमेंट की जो रूप होते हैं वो अलग है, लेकिन किस जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे डायमंड के बारे में बताया कि डायमंड होता है वो एक रिजिड 3D टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री यानी कि इसकी शेप टेट्राहेड्रल चार पार्ट होते हैं और 3D होती है, 3D डायमेंशन में होती है, 3D का मतलब 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शन में होता है, इसे क्या होता है कठोर हार्ड होता है, ठीक है, रिजिड 3D डायमेंशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, याद रखिएगा ऐसे छोटे छोटे प्रश्न इसमें से बनेंगे आरबीसी में आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान रखना इसका। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, इनकी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है डायमंड की। नेक्स्ट है बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन, जब इसका जो अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल की, तो जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस होता है बॉन्ड डिस्टेंस वो होता है 1.54, ये 1.54 याद रखिएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके क्या होता है बच्चों 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसकी ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है। द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, इसको सबसे जो है कठोर पदार्थ मानते हैं, सब्सटेंस मानते हैं। ओके फिर है ट्रांसपेरेंट, आपको मालूम है कि जो डायमंड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे डायमंड रहते हैं वो क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होते हैं, अपन आर पार उसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ये ट्रांसपेरेंट क्यों रहते हैं, क्योंकि जब रॉक्स जो होती है वो कोई जो गोल्ड होती है, जैसे मान लीजिए प्राचीन समय में जब ये पृथ्वी का जो उथल पुथल हुआ था उसमें जो पेड़ पौधे थे वो पृथ्वी के अंदर घुसे थे, तो वहाँ पे उनके हाई प्रेशर और टेम्परेचर से जो है वो रॉक्स की वजह से ऐसा हो गया था। फिर यहाँ मैंने कहा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर जो है डायमंड का फॉर्मेशन होता है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर किसका किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों डायमंड का, ठीक है। याद रखना डायमंड के लिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी या जो डायमंड प्राप्त कहाँ से करते हैं माइंस से, और माइंस के अंदर जो होता है डायमंड ही होते हैं लेकिन वो कोल या कार्बन का ही रूप होता है, तो कार्बन पर यानी कि जब कार्बन पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लगता है अंदर की तरफ तब जाके वो जो है वो कोल या वो कार्बन जो है डायमंड में कन्वर्ट करता है। फिर आता है यूजेस ऑफ डायमंड, डायमंड का क्या उपयोग है, तो सबसे पहला है प्रीशियस डेकोरेटिव स्टोन इन ज्वेलरी, ये बहुत ही कीमती स्टोन है, बहुत ही सजावटी ज्वेलरी के अंदर आपने देखा होगा कई सारे रिंग्स वगैरह है या फिर लेडीज है जो है नेकलेस पहनते हैं उसके अंदर मोतिया के मोती लगाते हैं डायमंड लगाते हैं, तो कीमती डेकोरेटिव स्टोन है जो उनका ज्वेलरी के उपयोग होता है। फुल कटिंग ग्लास एंड रॉक्स, चट्टानों को ग्लास को कांच को काटने में भी इसका उपयोग होता है, कहते हैं ना कि पत्थर को पत्थर ही काट सकता है, पत्थर को पत्थर ही काट सकता है सुना होगा, तो यही है कि फुल कटिंग ग्लास एंड रॉक्स, तो उसका जो है उसको पत्थर को काटने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन मेकिंग फोनोग्राफ इन मिरर्स, फोनोग्राफ मिरर्स यानी कि जो फोनोग्राफ होता है, फोनोग्राफ का क्या मतलब होता है, आपने देखा अगर प्राचीन समय में जो चलती थी और उसके ऊपर ऐसे लगाते थे और माइक होता था उस पर सवाल आते थे, तो उसको मिरर्स थी जिसपे मिरर लगती है यहाँ पे उसको टैप करता है उसको फोनोग्राफ मिरर्स में भी इसका डायमंड का उपयोग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट को ब्लैक लैंड कहते हैं, इसकी शेप होती है हेक्सागोनल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, देखिए याद रखिएगा डायमंड तो है नॉन ये नॉन कंडक्टर है और जबकि डायमंड ग्रेफाइट क्या है कंडक्टर है, ये एक एक्सेप्शन है आपने डिस्कस की थी, तो हेक्सागोनल शेप होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लुब्रिकेंट होता है एंड स्लिपरी सब्सटेंस है, सब्सटेंस क्या है स्लिपरी, एक दूसरे के ऊपर चिकना, चिकनी का मतलब होता है कि चिकना जो पदार्थ है और लुब्रिकेंट है
ठीक है, और ब्लैक ब्राउन कलर का होता है सॉफ्ट सब्सटेंस। ओके बच्चों, फिर गैप बिटवीन टू लेयर, देखिए आपने मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है बोर्ड पे, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये एक ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है और काफी इंपॉर्टेंट है, जहां आपकी यहाँ पे शो करती है। अब देखो यहाँ पे जो ये पहले लेयर है, ये दूसरी लेयर है, एक लेयर ये है, एक लेयर इसके ऊपर है, तो लेयर के ऊपर लेयर होती है ग्रेफाइट के अंदर, तो इन दो लेयर के बीच में भी गैप होता है। क्या होता है बच्चों? गैप होता है। और ये जो इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर आ जाते हैं इसके बीच में और यहाँ पे मूवमेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है उसी से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? फ्लो होगी। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो लेयर है, यहाँ से आप देखिए यहाँ पे यहाँ का जो लेयर, इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ का ये डिस्टेंस क्या है बच्चों? 340 पिकोमीटर होता है। क्या होता है बच्चों? 340 पिकोमीटर मतलब क्या होता है बच्चों? पिकोमीटर मतलब 10^-12 होता है। ओके, और कार्बन 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 ये कार्बन है और इस कार्बन के बीच में यहाँ से अगर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा बच्चों? 141.5 पिकोमीटर होगा। क्लियर? याद रखना बच्चों, ये एग्जाम में जब भी पूछे आपसे ये आता भी है कि ग्रेफाइट इज ए लुब्रिकेंट एंड स्लिपरी सब्सटेंस, व्हाई? तो रीजन लगा हमको ये कि एक दूसरे के ऊपर जो फिसलते हैं कि बॉन्ड लाइन ऐसी होती है। फिर आता है यूजेज ऑफ ग्रेफाइट, यूजेज ऑफ ग्रेफाइट टू पॉलिश थिंग्स मेड ऑफ आयरन, आयरन से बने हुए जितने भी सब्सटेंस है, खराब है, थिंग्स है, उनको पॉलिश करने में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है इन बैटरी एंड इलेक्ट्रिकल फर्नेस, जो इलेक्ट्रिकल धारा जो फर्नेस होती है, भट्टी जो होती है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होती है, उसके अंदर भी इसका उपयोग होता है, साथ ही साथ बैटरी के अंदर। आपको उसे इलेक्ट्रिकल भट्टी कौन सी होती है? आप जोधपुर जाके देख के आना, जाकर चले भट्टी को जोधपुर भट्टिया, वहीं पर सारे इलेक्ट्रिकल फर्नेस में ही काम होता है, ठीक है? तो आइए इसके अंदर पुलरीन में देखिए बच्चों, पुलरीन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन है और ये थर्ड है इंपॉर्टेंट चीज का है। द स्ट्रक्चर ऑफ पुलरीन इज स्फेरिकल लाइन में फुटबॉल होती है, जैसे फुटबॉल नहीं होता जब हम फुटबॉल खेलते हैं उसकी से शेप होती है और स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती है। मॉलिक्यूल्स में है, इसके पास जो कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि एटम होते हैं वो 60 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं या मोर देन 70 हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं इससे। ओके, कार्बन 60 जो होता है, देखो वैसे मैंने कहा था कार्बन 60, 70 और मोर देन 70 ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे स्टेबल जो है वो कार्बन 60 का जो है, वो कार्बन 60 स्टेबल होता है और उसको हम बकमिंस्टर फोल्डिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बकमिंस्टर फोल्डिंग। जैसे साइंटिस्ट जो था बकमिंस्टर फोल्डिंग, उसने ही उसको बनाया था, बकमिंस्टर ने बनाया था, साइंटिस्ट के नाम से बकमिंस्टर फोल्डिंग होते हैं, 60 इसका स्टेबल है। ठीक है, इसकी जो टोटल फेस होती है वो 32 फेसेस होती है। कितनी होती है बच्चों? इसका जो फेस होती है, आप देखो फुटबॉल के ऊपर ये स्ट्रक्चर होती है पेंटागोनल और हेक्सागोनल, इस तरह से इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये नहीं होती। फिर पांच भी होती है, ऐसे ऐसे भी आपने देखा होगा, इस टाइप से भी देखा होगा, तो इसको तो बोलते हैं पेंटागोनल, पेंटागोनल, इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल। तो ये फेस होती है फुटबॉल में, तो कितनी होती है? 32 फेसेस में से 20 तो होती है हेक्सागोनल और 12 क्या होती है? पेंटागोनल। 20+12=32 फेसेस होती है जो हेक्सागोनल और पेंटागोनल होती है। क्या बच्चों? नेक्स्ट आता है फिफ्थ, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कंडक्टिविटी नहीं होती है क्योंकि सॉलिड सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी गैप नहीं होता, जो है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर सकते और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बिना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। नेक्स्ट इसका बात करते हैं यूजेज ऑफ, यूजेज क्या है? देखिए सुपर कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल का जो है कंडक्टर यूज करता है, कंडक्टर बनता है, कब बनता है? फिर आप लोग सर यहाँ का बता रहे हैं नॉन कंडक्टर, यहाँ का सुपर कंडक्टर में इसका उपयोग होता है, तो नॉन कंडक्टर जब है जब उसका टेम्परेचर डाउन होता है, कम होता है, यानी रूम टेम्परेचर से नीचे होगा तो ये काम नहीं करेगा, ये नॉन कंडक्टर का गलत आएगा। जैसे ही आपने क्या किया, टेम्परेचर को हाई कर दिया, टेम्परेचर हाई होगा तो सुपर कंडक्टर की चला जाता है, कंडक्टिविटी शो करेगा। और नेक्स्ट है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में आपकी कौन कौन सी LPG CNG वगैरह सब गैसें आती हैं,
तो ये सब गैसों को अलग करने में भी, फ्यूल को करने में भी इसका जो है प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू।